हे गाइस, मैं हूँ कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कृष्णा गैलरी पर। तो आज का जो हमारा फोटोशॉप का ट्यूटोरियल है, इस पर हम सीखेंगे कि फोटोशॉप पर स्काई कैसे डाल सकते हैं और कैमरा रॉ फिल्टर पर एक बेसिक कलर जो ग्रेडिएंट होता है और टचमेंट होता है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये फोटो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो फोटो है, एक सिंपल सा इमेज है जिसे मैंने क्लिक करा अपने कैमरा से। तो इस पर क्या है, देखिए आप पर जो दिख रहा होगा आपको ये स्काई वाला पोर्शन, तो यहाँ पर जो स्काई नहीं है बोल के ये इमेज थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब कि सिंपल लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्काई डालेंगे, उसके बाद इस पर थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस सीखेंगे। जो दो स्टॉक है वो ओपन है फोटोशॉप पर। तो ये मेरा जो है ये इमेज है जिस पर मैं स्काई डालूंगा, तो उस पर जो स्काई डालूंगा वो ये वाला स्काई है। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है, हमारा जो ये इमेज है इसके देखिए यहाँ पर जो ये वाइट पोर्शन है, यहाँ पर स्काई नहीं है, इसलिए इमेज बहुत ही ये लग रहा है, मतलब कि सिंपल लग रहा है। अगर हम इस पर स्काई डाल देते हैं ये वाला, तो इसका जो गेटअप है बहुत ही सुंदर आएगा। तो क्या करना है, यहाँ से हम स्काई को लेके यहाँ से स्काई को सीधा उठाना है और यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देना है। यहाँ रखने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप सबसे पहले ऊपर यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको सेट कर ले। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से उठाकर डायरेक्ट ऐसे करके आप सेट करें। उसके बाद पहले यहाँ सेट कर लेते, कन्फर्म कर लेते इसको। उसके बाद यहाँ से हम मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद अभी देखिए हमारा जो इमेज है वो मल्टीपल हो चुका है। उसको अब फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, एडिट पर जाना है और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म को क्लिक करना है, या फिर आप कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं इसे उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर रखने का लॉजिक ये है कि हमारा जो यहाँ पर जो स्काई ज्वाइंट होगा, यहाँ पर इतना जगह हमें वाइट ही रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है। तो अब हमें करना क्या, अभी हम थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। ये देखिए मैंने मास्क क्रिएट किया। अब हमें करना क्या, हमें ब्रश टूल लेना है और हमारा जो कलर होगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा और इसका ओपेसिटी 100 होगा। अब क्या करें, अब ब्रैकेट की से जो है अब जो हमारा ब्रश है इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम देखें कैसे ऐसे करके मिटाते हैं। देखिए ऐसे करके मिटाते हैं पूरा ये पोर्शन। ओके, इतना होने के बाद हमारा जो बॉडी का पार्ट है उसको जूम कर लेंगे और वहाँ भी हम ऐसे करके मिटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रश को अपना छोटा करके मिटाएंगे। देखिए ऐसे करके पूरा इसे हम मिटाना है। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रश इसको रख सकते हैं जितने में आपको सुविधा लगे और इसे आराम से मिटा ले। तो जितना अच्छा से आप इसे करेंगे उतना अच्छा आपका फोटो बनेगा। तो मैं यहाँ आराम से मिटा दे रहा हूँ उसको। यहाँ से फिर से हाथ का यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पे ब्रश को आप जितना छोटा रखेंगे उतना ही ये अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने मिटा दिया है पूरा जो पार्ट है, इसे हमने पूरा मिटा के क्लीन कर दिया है। तो अब हम देख सकते हैं, देखिए हमारा जो स्काई है अप्लाई हो चुका है। अगर आपको लगता है कि स्काई का जो हमारा जो ओपेसिटी है अगर वो ज़्यादा है, तो इसके ओपेसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इतना होने के बाद आप इसको कैमरा और फिल्टर पर भी कलर सिचुएशन और जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अभी ये दोनों जो इमेजेस हैं हमारे, इसको मैं मार्च कर देता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई प्रेस करूँगा। देखिए तो यहाँ पे मार्ज लेयर हो जाता है। तो ये होने के बाद हमें जाना है फिल्टर पर और यहाँ से कैमरा और फिल्टर पर इसे खोलना है। तो जो हमारा इमेज है वो कैमरा और फिल्टर पर खुल चुका है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो शेडो इसे थोड़ा सा हाई करना है। तो
तो मैं शेडो लगभग प्लस 67 रख रहा हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अपने इमेज के अकॉर्डिंग, और जो हमारा हाईलाइट है उसे मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। ओके, तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो क्लियरिटी है उसे भी थोड़ा सा हम हाई करेंगे, जो इमेज है थोड़ा ब्लैक शेडो लेगा, और हमारा वाइब्रेंस को मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, वाइब्रेंस को थोड़ा सा और डाउन करूँगा यहाँ पर, और यहाँ से मैं क्या करूँगा टेम्परेचर को भी नीचे डाउन कर दूँगा। ठीक है, टेम्परेचर को भी डाउन करने के बाद हमें करना क्या, यहाँ से हमें जाना है रेडियस फिल्टर पर, और यहाँ पे हमें सीधा एक सेंटर पे लेके और यहाँ सेंटर पे ऐसे रखना है, और यहाँ से हमारा जो एक्सपोजर होगा उसे हम थोड़ा सा कम कर देंगे, और यहाँ से हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और यहाँ से हम पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा भी करेंगे। ओके, तो ये इमेज कंप्लीट है, अभी आप देख सकते हैं, आप एक्सपोजर को भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और सिचुएशन को मैं यहाँ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पर जाकर मैं ये अपने अकॉर्डिंग इमेज के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसे आपको अपने हिसाब से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो अभी मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों देखिए, अभी आप ये जो इमेज है पूरा सिनेमैटिक हो चुका है, एकदम देखने में अलग हो गया, सिर्फ हमारा दो मुश्किल से 5 मिनट का जो फोटोशॉप का एक्टिविटीज़ था उसे हमने किया इस इमेज पर अप्लाई, और देखिए हमारा जो इमेज है वो कितना डिफरेंट लगने लग गया है। मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये हमारा जो है पहले का इमेज है और ये बाद में हमने क्रिएट किया है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो में थोड़ा सा नॉइज आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके लिए मैं सॉरी आप लोग के क्षमा चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।